अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, न्यू ब्लॉग के साथ मैं हूँ इकरा हुसैन शेख। और अभी मैं आई हूँ एक प्रोमो बना के बद्रसमा का, और अभी उसके एडिटिंग्स बाकी हैं। और मैंने कहा कि मैं पहले आके व्लॉग स्टार्ट कर लूँ ताकि साथ साथ सारे काम हो जाए। इकराज बिरयानी पर हमने मटन चॉप्स बिरयानी शुरू की है, अभी अभी मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे सलालम में इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कुछ बहुत ठंड जो है ना इधर सलालम में आ गई है, सर्दी सर्दी हो गई है। मैंने अभी फ़ैन भी ऑफ किया हुआ है। मैं अभी टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट कर रही थी जिसमें मैं बता रही थी कि हमने क्यों अपने इकराज बिरयानी में कच्ची बिरयानी शुरू की है। खैर, ये फूड बिजनेस से पहले मुझे कच्ची पक्की बिरयानी का कोई फ़र्क पता नहीं था, ये मुझे बाद में पता लगा थैंक्स टू आवर हैदराबादी सपोर्टर्स जिन्होंने मुझे ये डिफरेंस बताया। हमने इनिशियली इकराज बिरयानी में पक्की बिरयानी शुरू की जिसको लेयर लगाते हैं, लेयर लगा के दम लगाते हैं, 45 मिनट्स के बाद जो है उसको सर्व किया जाता है। लेकिन हमें सबकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका, पर हमें सजेशंस मिलती रहीं कि आप लोग जो हैं कच्ची बिरयानी बनाएं, कच्ची बिरयानी होती है ऑथेंटिक हैदराबादी दम बिरयानी। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता लगा, मेरे पास कुछ फैमिलीज आई, उन्होंने मुझे जो है ना बिरयानी बना के दी, उन्होंने कहा आप ये ट्राई कीजिए और फिर ये रेसिपी आप फॉलो करें। और यकीन जानिए जिस वक्त से मैंने शुरू किया, 2 वीक्स ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं, तलाबाद पे जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको मैं मैसेज ड्रॉप करती हूँ, उनसे मैं पूछती हूँ कि भाई कैसी है बिरयानी, उनकी तरफ से भी मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और इसके अलावा जो लोग वहाँ डाइन इन ऑप्शन अवेल कर रहे हैं उनसे भी मैंने पूछा है, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि ये बिरयानी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। कोई भी रेस्टोरेंट या कैफ़े बिजनेस में जो है ये बहुत मैटर करता है कि कौन सी चीज़ का कुकिंग आवर कितना है। कोई भी रेस्टोरेंट या कैफ़े बिजनेस में ये होता है कि आपके कुकिंग टाइम को देखा जाता है, फिर कितना उसमें गैस कंजम्पशन हो रही है, कितनी एफर्ट है, वो सब चीज़ों को देख के ही उसको जो है मेन्यू में रखा जाता है। और शुरू से हमने भी सलाला में जो है वो चिकन फ्राई पीस वाली बिरयानी ही खाई है। अब विद टाइम जब वैरायटी आना शुरू हुई है और ख़ुद भी मैं अब जो है फूड बिजनेस में आ चुकी हुई हूँ, तो मुझे चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ। और जितने भी सलाला में रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बिरयानी सर्व करते हैं, मैंने सबकी बिरयानी ट्राई करना शुरू कर दी है। मैं हर थर्ड डे के बाद या फोर्थ डे के बाद मैं जाती हूँ, मैं डिफरेंट जगहों की बिरयानी ट्राई करती हूँ। तो मुझे पता लगा कि पूरे सलाला में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट ऐसा है जो कि कच्ची बिरयानी सर्व कर रहा है, उसके अलावा कोई भी कच्ची बिरयानी सर्व नहीं कर रही, या फ्राई पीस वाली बिरयानी होती है या फिर लेयर वाली बिरयानी होती है। तो फिर मैंने इकराज बिरयानी पे ये जो है हैदराबादी कच्ची बिरयानी शुरू की है, क्योंकि हमारे पास कराची बिरयानी तो है ही, वो भी जो है एक उसका अपना बनाने का स्टाइल है और उसके अपना एक टेस्ट है, और जो ये कच्ची बिरयानी है इसका बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट है। तो आप में से जो लोग अब सलाला बेस्ड हैं या फिर जिन्होंने प्लान किया हुआ है विजिट करने का सलाला, वो लोग जब भी आएँ आप आके ट्राई कीजिएगा हमारी ये वाली जो कच्ची बिरयानी है। रीसेंट एडिशन इन आवर मेन्यू मटन चॉप्स बिरयानी, जो कि अब इकराज बिरयानी पर स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी प्राइस है 3 ओमानी रियाल। इसमें आप देख सकते हैं ये 5 मटन चॉप्स हैं जो ग्रिल हो के बाद में बिरयानी में दम लगा के आप लोग के सामने इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। आप लोग इकराज बिरयानी विजिट कीजिए और ट्राई कीजिए ये मटन चॉप्स बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मीट फरिश्ता फ्रॉम बांग्लादेश। हेलो फरिश्ता, हाउ आर यू? सो फरिश्ता ने हमारे पास चिकन हैदराबादी दम बिरयानी ट्राई की है, आज हम इनसे पूछते हैं कि इनको कैसी लगी। फरिश्ता, यू ट्राइड आवर चिकन हैदराबादी दम बिरयानी बिफोर, राइट? राइट। सो हाउ वाज द टेस्ट? इट वाज गुड, इट वाजंट दैट स्पाइसी, बट इट वाज वेरी नाइस। एंड टुडे यू आर गोइंग टू ट्राई मटन चॉप्स बिरयानी। यस। फरिश्ता, यू लाइक बांग्लादेश और ओमान? बोथ इक्वली। बोथ इक्वली। एंड यू आर फ्रॉम विच सिटी इन बांग्लादेश? चिटागोंग। चिटागोंग? यस। And how is Chittagong? I really want to visit that place. There's many people there. Mm-hmm. And it's big. There's many natural places which I love. And yeah, it's pretty much that. Thank you very much, Farishta. You're super cute. Thank you. हम लोग जो हैं एक क्लास प्लानर शुरू करने लगे हैं और इसके लिए मैरिनेशन हो चुकी हुई है। अभी हमारे प्रिपेयर हुआ है ऑर्डर, ये चिकन कढ़ाई और साथ में इसकी चपाती है और बाकी इसके साथ रायता, चटनी, गुलाब जामुन भी है। बाकी मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है प्लेटर के लिए। ये हमारी हैदराबादी कच्ची बिरयानी प्रिपेयर हो रही है। कच्ची नहीं, पक रहा है। तो
भी जो हमारे इकरा बिरयानी का इकरा स्पेशल प्लेटर है उसके लिए हम बारबेक्यू बना रहे हैं। फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कैसे बनेगा। लेकिन मैं बारबेक्यू पहले बना लूँ। इसमें हमने अभी बहुत से आइटम ऐड करने हैं, सबका बारबेक्यू होना है, ठीक है। तो ये हमारे पुलाव राइस सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है और इसके ऊपर सारी टॉपिंग होगी बारबेक्यू आइटम्स की वन बाय वन। अभी सबसे पहले ये बीफ चंक्स इस पे हम लोग रखेंगे, फिर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे कैरेट और ब्लैक रेजिन से। अभी इसमें चार शामी कबाब हैं, लाहौरी फिश बेसन वाली मछली और ये चार मटन चाँप। ये हाफ़ चारकोल ग्रिल चिकन भी है और हाफ तंदूरी चिकन भी ऐड करना है। इसमें भी ये दो बटेर भी ऐड किए हैं। तो ये एक सीख हरियाली बोटी और एक सीख चिकन टिक्का तंदूरी। अभी इसमें दो हमने जो है ना चिकन सीख कबाब और दो बीफ सीख कबाब इसमें ऐड करने हैं कॉर्नर्स पर। तो ये अभी एक सीख जो है मलाई बोटी की इसमें ऐड कर रहे हैं और फिर ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है प्लेटर। अब इसको गार्निश करना है। ये देखिए ये काजू हो गए और अब हम ऐड करेंगे बादाम। ये आ गए बादाम और उसके बाद ब्लैक रेजिन्स। ये टेस्ट एनहेंस कर देता है और साथ में हम अभी मिंट और कोरिएंडर ऐड कर देंगे और ये हमारा इकरा स्पेशल प्लेटर रेडी है सर्व होने के लिए। तो आप लोग भी विज़िट कीजिए इकराज बिरयानी और ट्राई कीजिए हमारा प्लेटर। तो ये रहा हमारा इकरा स्पेशल प्लेटर, है ना कमाल का। Did you know if it's really cold outside, your blood pressure goes up? It's risky, especially for those who are likely to have more heart attacks. Did you know prolonged exposure to cold can lead to hypothermia, the condition in which body produces more heat as compared to normal, leading to more stress to your heart? Do you know pre-existing heart diseases like hypertension, coronary artery disease, and heart failure can worsen during winters? It's better to get your heart screened during winters. And I have a good news for you. Badrasama Group of Hospitals cares for you and your heart. And that's why Badrasama has come up with a special promotional package for winter heart screening at just 24 Omani Riyal. At a discount of 70%. This package is available till January 31st, 2024 at Badrasama Salala, Rui, Al Khud, Al Khwair, Mabela, Barqa, Nizwa, and Sohag. Get your heart screened now and ensure your heart health during winters. अभी मैंने जो है और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है मेन्यू में। मेन्यू अभी मैंने प्रिंट होने के लिए सेंड करना है और उसमें अभी हम लोग जो है इकरा स्पेशल भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सबकी तरफ से ये बात आ रही थी जो लोग विज़िट कर रहे थे कि हम इकरा बिरयानी विज़िट करें तो इकरा स्पेशल क्या है। तो पहले तो मैंने इमरान खान स्पेशल चिकन बिरयानी शुरू कर दी, उसको मैंने क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट रखना था तो मुझे वापस उसको रिकन्सिडर करना पड़ा और सारी चीज़ों के बाद मैंने रीइंट्रोड्यूस किया है और अच्छा रिस्पांस आया उसका। अभी मैं इकरा स्पेशल भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। बाकी आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा और भी कोई भी सजेशंस हो जो आप लोग कहते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी निहारी और इन सब चीज़ों की भी सजेशंस आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी मैं नहीं ऐड कर सकती, लेकिन विद टाइम होपफुली मैं ऐड करूँगी निहारी वगैरह भी। अभी स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ होता है। मैंने पहला स्टेप ये किया कि मैंने ब्रेकफास्ट ऐड किया इकरास बिरयानी में और उसके बाद जो हम लोग पहले 12 से 12 तक ओपन कर रहे थे इकरास बिरयानी, अब हम लोग मॉर्निंग जो है 8 से रात 2 बजे तक ओपन रहते हैं। तो ये सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं विद टाइम
और जिस तरह से रिस्पॉन्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको जो है लेकर चलते हैं। तो बाकी आप लोग मेरे हक में कीजिएगा दुआ, और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ईमेल ड्रॉप कीजिएगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद टाइम मैं और भी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी ना।